हाय फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंजल हीलर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मनी रेकी के बारे में कि मनी रेकी क्या है और मनी रेकी कोर्स हमें क्यों करना चाहिए, मनी रेकी में हम कितने सिंबल्स हैं और मनी रेकी आखिर क्या होती है। देखिए मैं समझाती हूँ, मनी रेकी से मतलब सिर्फ आपकी मनी से नहीं है, आपकी 100% जो प्रॉस्पेरिटी है उससे है। जो भी प्रॉस्पेरिटी आपकी है, चाहे वो ग्रह लक्ष्मी हो, चाहे वो आपकी धन लक्ष्मी हो, चाहे संतान लक्ष्मी हो, चाहे मान लक्ष्मी हो, चाहे आपकी स्थिर लक्ष्मी हो, चाहे ज्ञान लक्ष्मी हो, चाहे वैभव लक्ष्मी हो, सभी प्रकार की जिसमें लक्ष्मियाँ आती हैं वो आपकी 100% प्रॉस्पेरिटी होती है। हर इंसान ये चाहता है कि जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है वो 100% हो। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए जो मैंने मनी का जो मैंने आपका कोर्स बनाया उसके अंदर मैं ओवरऑल 11 सिंबल्स आपको देती हूँ और उन सिंबल्स की पूर्ण जानकारी भी मैं वहाँ दूंगी कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से वो आपके काम आएंगे। जब आप उन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे तब आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, आपकी अफर्मेशंस वहाँ क्या होनी चाहिए, मनी में बॉक्स आप बनाएंगे तब वो कैसे काम करेंगे, रेखी बॉक्स बनाएंगे तब वो कैसे काम करेंगे, इच्छा पूर्ति आप चिट बना रहे हैं तब वहाँ कौन सा सिंबल आप डालेंगे, आप जब अपनी ग्रिड तैयार कर रहे हैं तब वहाँ क्या करेंगे, सभी तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, या आपका बिजनेस है आप वहाँ पे किसी तरीके का आपका जो यहाँ पैसा रखते हैं आपका कैश बॉक्स है आप उसकी हीलिंग किस तरीके से करेंगे, अगर आप जॉब पे हैं तो अपनी टेबल को किस तरीके से हील करेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं जिनके कारण हमारी प्रॉस्पेरिटी रुकती है वो सारी चीज़ मैंने इस कोर्स में कवर करी है। इस कोर्स के अंदर आपको छोटी छोटी बातें बताई गई है कि आप चौकुरे जो लेवल 1 का जो अट्यूनमेंट है आप वो किस तरीके से लेंगे और रेखी में उसका क्या महत्व है। देखिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या आप जो भी आप अट्यूनमेंट किसी से भी लेते हैं, पहली चीज आप पूर्णतः सिंबल्स की जानकारी ले लें, उसके बाद जब आप उनको मनी रेखी के साथ आप यूज करते हैं तब वो बहुत हद तक काम करते हैं। मेरे सामने अक्सर एक सवाल आता है कि ब्लॉकेजेस मनी के क्यों हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं या हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी ब्लॉकेजेस क्यों है, या हम चक्रा हीलिंग क्यों करें, मेडिटेशन क्यों करें, क्या रेखी में इसका स्थान है। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। एक शब्द हमेशा आपने सुना होगा, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी दिल की इच्छा है कि मेरे घर में जो भी समृद्धि आए वो अच्छे से आए और भरपूर आए, या मेरी इच्छा है मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट की, मेरी दिली इच्छा है मुझे जॉब लगे। बहुत ध्यान से इन सारे शब्दों को सुनने की जरूरत है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, मेरी दिल की इच्छा है या मेरी इच्छा है, इसका मतलब ये है कि इसका सीधा संपर्क आपके हार्ट चक्रा से हो गया, आपके हार्ट चक्रा में वो चीज आई, ये जो आपके अंदर इच्छा आई ये इच्छा आपकी मन की है, ये आप इच्छा आपकी मनी की है। मनी का मतलब आपके धन से नहीं है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से है। वो इच्छा आई आपके हार्ट चक्रा से, जब हार्ट चक्रा ने इंडिकेट किया तो आपने उस पर काम करना शुरू किया अपने क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा से, जहां आपने दिमाग में भेजा वो अफर्मेशंस और वो अफर्मेशंस ने काम करना शुरू किया। अब आपने काम कर रहे हैं, आपका काम स्टार्ट हो गया, अचानक से करते करते ब्लॉकेज आ गया, आपने कहा हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं है या हमने इतना पैसा लगाया था, हमने इतना सब कुछ किया था फिर भी ब्लॉकेज आ क्यों गया, आप परेशान हो गए, यानी कि आपका कोई ना कोई ऐसा चक्रा है जो ब्लॉक है। ये बहुत गहराई की बात है। तब जब हम रेखी से जुड़ते हैं, इन मनी सिंबल्स पे काम करते, इसमें श्री है, वसुधा है, मिदास स्टार है, आपका गणेश है, इस तरीके के जो हमारे 11 सिंबल्स हैं, सीका सेकी है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल्स भी मैंने दिए हैं, जब आप उन सिंबल्स का यूज करते हैं और अपने फर्स्ट चक्रा जो कि रूट चक्रा आपका मेन चक्रा है उसको हीलिंग शुरू करते हैं, तो फर्स्ट चक्रा जैसे ही हील होता है वो अफर्मेशंस आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, वो सीधा फर्स्ट चक्रा आपके हार्ट चक्रा पे भी डालता है असर और आपके क्राउन चक्रा पे भी। साथ ही साथ जो रेकी के फर्स्ट सेकेंड मनी की जो अफर्मेशंस आप ले रहे हैं, जो आप मुझसे अट्यून करा रहे हैं सिंबल्स, वो अट्यूनमेंट जब मैं आपको देती हूँ उन सिंबल्स की, वो काम करना, आप जैसे ही आपको अट्यूनमेंट मिलेगी आप देखेंगे कुछ ना कुछ असर जरूर आता है।
मैं ये मान ही नहीं सकती कि रेकी यदि सही तरीके से किसी को दी जाए तो असर नहीं हो, असर होता ही है। चाहे आपको वाइब्रेशन ना हो, आपको कोई भी फीलिंग हो, वो रेकी के अंतर्गत आती ही है। बस आपको अपने गुरु को और रेकी को सही तरीके से समझना होगा। आज मैंने आपको बताया रेकी कोर्स के बारे में या रेकी मनी रेकी कोर्स के बारे में। ओवरऑल 11 सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स मैं यहाँ एकदम बता नहीं सकती, टोटल 11 सिंबल्स हैं जो मैंने आपको बताए, और सारे सिंबल्स अलग अलग तरीके से आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो आपकी हीलिंग भी कर रहे हैं, और सही माध्यम से जब आप उन्हें अट्यून करा रहे हैं तो वो आपके अंदर समाहित होकर आपके जो भी आपका काम है, और जिसके लिए भी आप रेकी कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे अपनी शॉप के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से वहाँ काम करना 21 डेज में शुरू कर देती है। कुछ ना कुछ आप देखेंगे असर आना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो बातें मैं आपको बताऊंगी इस दौरान, उनका भी आप ध्यान दें। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अट्यूनमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, बिना अट्यूनमेंट के रेकी काम नहीं करती। और अट्यूनमेंट हमेशा आप सही गुरु के माध्यम से ही लें, सही प्रकार से ही लें, तो आप देखेंगे 21 डेज में आपकी अफर्मेशंस शुरू हो गई। आज मैंने आपको मनी रेकी के बारे में बताया। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है जो मैंने मनी पे बनाया आप सभी के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।